400 रुपये रखे हैं, ये शहर के बहुत ही अच्छे से एजुकेशन लोगों को, बिजनेसमैन को और डॉक्टर्स को इसे अवार्ड दे रहे हैं। और ये मेरा मकसद यही था कि जो हालात इस पर गुजर रहे हैं उस दूसरे से हालात से हम थोड़ा सा बाहर आए, या फिर कुछ जो परेशानी हमको हो रही है उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़े, उसके लिए ये अवार्ड का इनका हुआ है। ये अवार्ड हम इसलिए रखा है। और ये जो एरिया में विजयनगर कॉलोनी में एरिया में एक ऑडिटोरियम का भी हमने बनाया है। ये ऑडिटोरियम का नाम है ABC, यानी ऑडिटोरियम बैंक्वेट हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल। इसमें शादी के फंक्शन भी होते हैं, लेकिन साथ में इसके लिए सोशल वर्क के लिए हम ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे यहाँ पे, जो सारे शहर का ये सेंटर है, इसमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होने लगे, जैसे मुशायरे होंगे या फिर कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे या भरतनाट्यम प्रोग्राम्स होंगे। ये मेरा मतलब इसमें मैं जब आया हूँ तो यहाँ पे एक मिक्स आबादी है और मैं मिक्स आबादी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ और इनको बहुत कुछ देना चाहता हूँ, और इसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ भी हैं, और ख़ासतौर से मेरे साथ लोग एजुकेशन बहुत सारे हैं। मैं अली शाह से कहूँगा कि वो भी कुछ बताएँ। कंग्रेचुलेट साजिद साहब फॉर यूनाइटिंग एवरीबडी, जर्नलिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट एंड डिफरेंट प्रोफेशंस ऑन वन प्लेटफॉर्म। His unquenchable thirst has united us, and also, inshallah, in future, we'll try to work together. Thank you once again, Saji Sahab. Good day. ये बहुत खुशी की बात है कि ज़िमरिस ABC हॉल का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताह के मौके पर इसके जो ओनर हैं जनाब साजिद साहब, डॉक्टर साजिद साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छा इकदाम किया। समाज में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, ज़बान बयान सकाफ़त, इन तमाम से परे ऐसे लोग, समाज के ऐसे लोग जो बेलोस खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको एक जगह जमा किया, उनकी खिदमत को सराहा और उनको अवार्ड से नवाजा। इससे क्या होगा, इससे बेलोस काम करने वालों को एक हौसला मिलेगा, वो मज़ीद निशात और सुरूर के साथ अपने कामों में जुट जाएंगे, और दूसरे लोगों को भी तहरीक मिलेगी कि आज के इस ज़माने में भी ऐसा नहीं है कि अवार्ड के लिए आखिरत का ही इंतज़ार करना है। दुनिया में अभी अच्छे लोग हैं जो अच्छे काम को पसंद करने वाले हैं, उसको रिकग्नाइज़ करने वाले हैं, उसका इस्तेहसान करने वाले हैं और अवार्ड के ज़रिए से कदरदानी करने वाले लोग हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज समाज में जाएगा। ख़ास बात ये रही कि इसमें मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वाले, मुख्तलिफ तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे और उनको अवार्ड से नवाज कर साजिद साहब ने एक बहुत अच्छा इकदाम किया। रिश्तों को मज़बूत किस तरीके से बांधा जाता है, इसकी एक खूबसूरत मिसाल भी उन्होंने पेश की। उन्होंने अपने ख़ानदान के वो अफराद जो बेलोस खदमात अंजाम दे रहे हैं, जो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उन सबको भी मदद किया यहाँ पर और सबकी कदरदानी की। ये एक बहुत मुस्तहसन इकदाम है, इस तरह के कामों की समाज में बहुत ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ज़िमरिस के सभी ज़िम्मेदार बशमूल डॉक्टर साजिद साहब के इस हसीन और ख़ूबसूरत इकदाम के लिए काबिल मुबारकबाद हैं। बहुत शुक्रिया।